तो दोस्तों बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मालती चौहान अब नहीं रही। मेरे को तो थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों कि मालती ऐसा काम कर ली है। तो वीडियो देख देख के अब थोड़ा बहुत दोस्तों थोड़ा क्या बहुत ही यकीन हो गया है कि अब मालती सही अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों वो इतनी भोली थी, इतनी भोली थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा काम करेगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, बन्ना गुरुप्रिय चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और दोस्तों थोड़ा टेंशन वाली यही बात हो गई है, थोड़ा क्या बहुत ही टेंशन हो गया है कि इतनी फेमस थी मालती चौहान, एक यूट्यूबर, इतनी फेमस, उनका वीडियो इतना चलता था, जितना उनका वीडियो चलता था उतना किसी का भी वीडियो नहीं चलता था दोस्तों। पर दोस्तों उन लोग का झगड़ा तो पहले से ही होता था, उन लोग का यानी 19 तारीख तक का उन लोग का सुलह हो गया था कि अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही हो गया है। तो 20 तारीख को दोस्तों मालती अपने घर गई थी। आज कितना तारीख है? आज 23 तारीख है दोस्तों। 23 तारीख को सुबह सुबह 4 बजे ये सूचना मिल गई दोस्तों। जैसे यूट्यूब खोला वैसे ही बस यही खबर देखने को मिला कि मालती चौहान अब नहीं रही। बताइए दोस्तों, और जिस घर में ये ऐसा मातम हो जाता है दोस्तों, उस घर का हाल पूछो ही ना क्या हो जाता है। आज मालती चौहान की बहन यानी सरिता का हाल देखिए, क्या रो रो कर बुरा हाल हो गया है, एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। मेरे मन में दोस्तों बस वही मालती का ही चेहरा आ रहा है सामने, घूम फिरा के उन्हीं का चेहरा आ रहा है कि मालती ऐसा कर ली, कुछ समझ ही नहीं सकी मैं। सोचा ही नहीं था दोस्तों कि मालती ऐसा करेगी। बताइए, अभी अभी दोस्तों 2 बज गया है, पोस्टमार्टम तो घर पे आ ही गया होगा, हो गया होगा, डेड बॉडी घर पे आ गई होगी। क्या फ़ायदा है दोस्तों, अब तो समझो मिट्टी हो गई। पर ये जो भी हुआ दोस्तों बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। बताइए, एक बेटे का भी मुंह नहीं देखी मालती की। हमारे पास एक बेटा है, उसका क्या होगा? अगर सब लोग सोचते ना कि हमारे पास बच्चे हैं उनके बारे में सोचूं, तो ऐसा कोई नहीं करेगा दोस्तों। मैं यही कहूंगी, भगवान मालती जी को, आत्मा को शांति मिले। और क्या बोलूं दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा।